हेलो दोस्तों, वेलकम टू ड्राइव मंत्रा। और आज हमारे साथ है रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650। ये इंडिया की सबसे अफोर्डेबल 650 सीसी बाइक है और रॉयल एनफील्ड की तरफ से दो बाइक्स ऑफर की जाती हैं इस सेगमेंट में, जो कि है इंटरसेप्टर और कॉन्टीनेंटल जीटी। तो आज हम इसका डिटेल वॉक अराउंड करने वाले हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी गीज है कुछ आपको ऐसी गीज इसमें ऑफर की जाती हैं। और डिज़ाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं, अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए कॉन्टीनेंटल जीटी में और इंटरसेप्टर 650 में, तो आप देखेंगे इसमें आपको जो है इंटरसेप्टर में हैंडल बार अलग मिलता है, टैंक अलग मिलता है, आपको सीट अलग मिलती है, सीटिंग पोजीशन इसका डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो कैफे रेसर टाइप लगती है, ये थोड़ी सी क्रूजर टाइप लगती है। दोनों ही क्रूजर, लेकिन उसका थोड़ा डिज़ाइन जो है कैफे रेसर में हो जाता है। बाकी परफॉर्मेंस के मामले में दोनों सेम है, और टायर साइज सस्पेंशन वगैरह जो इसके पूरे सेम ही है। थोड़ी थोड़ी सी बस इसके वेट में डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा सा ये भारी है, वो थोड़ी हल्की है। और आप डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन आप देख सकते हैं, बड़ा सा आपको इसमें इंजन मिलता है जो दूर से एकदम झलकता है, और जो इसकी रोड प्रेजेंस है वो भी बहुत अच्छी है, और थोड़ा सा अफोर्डेबल प्राइस में भी आती है, जिस वजह से आप अच्छे से मतलब अगर आप 650 सीसी सेगमेंट की बाइक लेना चाहते हैं और आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप जो इसके ऊपर की बाइक्स हैं वो अफोर्ड कर पाएँ, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं और इसको अपनी अगली बाइक बना सकते हैं। बाकी फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलाइट मिल जाती है, इसके इंडिकेटर्स भी आपको हेलोजन मिलते हैं। बाकी आपको एक बार हम इसको ऑन करके दिखा देते हैं, कोई दिक्कत होगी अब लग। ये थोड़ा सा ये डिपर में है, यहाँ पे अभी आपको एक छोटी सी लाइट मिल जाती है, और ये इसके इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स भी आपको हम जला के दिखा देते हैं। लाइट का थ्रो बहुत अच्छा है, अपर में करें आप देख सकते हैं सामने लाइट मार रहा है। रियर में आप देखेंगे तो रियर लाइट भी आपको हेलोजन मिलती है, और इसके इंडिकेटर्स भी आपको हेलोजन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ग्रैब रेल मिल जाती है, ये पूरी बॉडी जो है मेटल की है, कहीं पे भी आपको छोटी मोटी प्लास्टिक का सामान नहीं मिलेगा। और साथ ही में आप सस्पेंशन की बात करें, फ्रंट में आ जाएँ तो यहाँ पर आप देखेंगे सस्पेंशन है वो 41mm टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन मिल जाता है आपको यहाँ पर। जो डिस्क ब्रेक हैं वो हैं 320mm के, बाइब्रे की तरफ से ये इसका रिफ्लेक्टर मिल जाता है आपको। और टायर साइज़ की बात करें तो 190/18 सेक्शंस के टायर मिल जाते हैं। इस प्राइस रेंज में आपको जो ये इसकी जो कंपटीटर्स हैं वो इसके कम सीसी या फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कम डिस्प्लेसमेंट के आपको राइवल्स मिलते हैं इसके। अगर इसके राइवल ओरिजिनल राइवल की बात करें 650 सीसी सेगमेंट में, तो बहुत ही हाई रेट पर आते हैं, जिसके प्राइस बहुत ऊपर है, जैसे कि आप देखेंगे CVR हो गई और कावासाकी की तरफ से आती है, वो तो बहुत महंगी बाइक्स हैं। ये सबसे अफोर्डेबल प्राइस में आ जाती है 650 सेगमेंट में। और यहाँ पर अभी आपको इंटरसेप्टर लिखा हुआ मिल जाएगा, इंटरसेप्टर का लोगो है, यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड का लोगो मिल जाता है। रॉयल एनफील्ड बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे रॉयल एनफील्ड है, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड है, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड है, पीछे साइड भी आपको यहाँ पे रॉयल एनफील्ड लोगो मिल जाएगा, और यहाँ पे भी रॉयल एनफील्ड का आपको लोगो मिला। तो मतलब यहाँ पर पूरी तरह से एडवर्टाइजमेंट किया बाइक में अपने, रॉयल एनफील्ड अपना नाम लिख लिख के। पीछे साइड आप देखेंगे तो ये टायर, ये जो ब्रेक्स हैं ये 240mm के हैं। ये टायर साइज़ है ये है 130/70/18 सेक्शन के, टायर साइज़ बहुत बड़े हैं, दूर से बहुत अच्छे लगते हैं। और ये सस्पेंशन है, सस्पेंशन कॉइल ओवर शॉक सस्पेंशन मिल जाता है आपको रियर में, ये थोड़ा सा कवर टाइप आपको दिया गया। बाकी यहाँ पर आपको ब्रेक्स वगैरह सब मेटल के मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसके ब्रेक्स हैं, नीचे साइड आपको सेंटर स्टैंड मिलता है, 165mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है आपको, 805mm की सीट हाइट है इसमें। और यहाँ पे आप देखेंगे टैंक जो है इसका अच्छा खासा बड़ा है, टैंक की कैपेसिटी की बात करें 13.7 लीटर का टैंक इसमें मिलता है आपको, और जो माइलेज क्लेम करती है कुछ 25 km तक माइलेज क्लेम करती है। और इंजन की बात करें तो इसमें आपको डुअल सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत बड़ा सा है, और ये प्रोड्यूस करता है 47 bhp और 2 Nm पर पावर। परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ इसकी टॉप स्पीड है 167 km पर आकर, यही सेम टॉप स्पीड आपको कॉन्टीनेंटल जीटी में मिलती है। और ये क्रूज़ करने के लिए ज़्यादा बेहतर है, इसमें आप ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉन्टीनेंटल जीटी, क्योंकि उसकी जो सीटिंग पोजीशन है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसमें जो हैंडल बार है थोड़ा सा अपराइट है, जिसकी वजह से आपको आसानी होती है गाड़ी चलाने में, उसमें थोड़ा सा आपको लेटना पड़ जाता है नीचे की तरफ, जिसमें आपको थोड़ा सा बैक पेन हो सकता है। और बाकी जितने डायमेंशन हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा ये ग्राफिक बना है, तो हैंडल बार में यहाँ पे देखेंगे ये चीज़ जो है ये कनेक्ट किया गया है इस मेटल से, जो कि आपको कॉन्टीनेंटल जीटी में नहीं मिलता। कंसोल की तरफ नज़र डालेंगे आप तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका स्पीडोमीटर है या आरपीएम मीटर है,
ये आपका फ्यूल मीटर है, ये ट्रिप ड्यूअल ट्रिप मीटर आता है इसमें, और ये जो है इंडिकेटर्स के लिए है, ये अपर डिपर ABS, ये माइल उसका है, क्या कहते हैं मूवी ऑल का है, ये आपका बैटरी के लिए, न्यूट्रल के लिए, ज़्यादा कुछ इसमें आपका नहीं आता है कि ब्लूटूथ आप कनेक्ट कर लें, और ये टर्न बटन नेविगेशन वगैरह इसमें बताए, और इसमें कोई ऑफर नहीं किया गया है ऐसा कोई फीचर। बाकी क्वालिटी की बात करें स्विचेस की तो वो बहुत अच्छी है, जो क्लच है थोड़ा सा टाइट है लेकिन ठीक ठाक है, ब्रेक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और जो मिरर्स की विजिबिलिटी की बात करें तो वो भी बहुत बेहतरीन है, विजिबिलिटी जो है मिरर्स की वो बहुत अच्छी है, और क्वालिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छे मिरर्स हैं। और सीटिंग पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ी गई जिसकी वजह से आपका यहाँ पे पैर आ सके, और सीट हाइट जो है ये भी बहुत अच्छी है इसकी, जिसकी वजह से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है छोटे लोगों को, और वेट इसका कुछ 195 का वेट इसमें आपको मिलता है। कलर्स की बात करें तो कुछ 6 to 7 कलर्स इसमें ऑफर किए जाते हैं, और ये कम्पीट करती है रॉयल उसकी KTM की 390 से, KTM ड्यूक 390 हो गई, डोमिनार हो गई, बाकी अगर इसके ओरिजिनल 650 cc वाले राइडर्स की बात करें तो CBR है उसमें आपका आ जाता है, Z650 आ जाता है, Z650 RS भी आती है उसमें। आपको बाइक कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप कोई ऐसी बाइक लेना चाहते हैं जैसे कि 650 cc बाइक आपको पसंद है लेकिन थोड़ा सा अफोर्डेबल प्राइस में, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। बाकी जो डिटेल्स हैं इसकी प्राइसिंग वगैरह की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, स्टैंडर्ड, कस्टम और क्रोम। बाकी जो भी आप जानना चाहते हैं हमारे बारे में आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ये अपना ख्याल रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।